नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों पिक्चर देख के समझ गए होंगे इंडियन नेवी पर भर्ती होने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए। आधा देखेंगे तो आधा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बाद में आप लोग कमेंट में पूछते रहोगे, ठीक है। दोस्तों इंडियन नेवी पर जो 10+2 BTech कैडेट एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन निकला है इन एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच पे, टोटल वैकेंसी 40 में से 8 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। यानी मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वेतन क्रम आप लोगों को मिलेगा 56,100 से लेकर 1,77,500, यानी लेवल 10 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होगा आपका 4 साल, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो 4 साल आपका ट्रेनिंग होगा। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 2-3 स्ट्रीम में, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब स्ट्रीम में आपका ट्रेनिंग होगा 4 साल का। 4 साल के बाद जो कंप्लीट हो फुल्ली नेवी में ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को ये स्केल मिलेगा। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। पहले तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है, 10+2 या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री, और साथ में कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में एग्रीगेट एवरेज 70% होना चाहिए। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिला के, ठीक है, आपको होना चाहिए। याद रखिएगा ये तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को एवरेज 70% होना चाहिए तीनों में, यानी तीनों सब्जेक्ट को मिला के टोटल 210 मार्क होना चाहिए। एटलीस्ट 50% इन इंग्लिश, आपको क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क होना चाहिए। और ये देखिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर JEE मेंस 2024 एग्जाम, जिन्होंने JEE मेंस की द्वारा 2024 के एग्जाम के द्वारा BE BTech के लिए क्वालिफाई किया है, अपीयर्ड हुआ है, वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट यानी CRL। आपका जो JEE मेन एग्जाम के बाद जो कॉमन ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट निकलता है उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वहाँ से सिलेक्ट करता हुआ आएगा, ठीक है, मार्क्स के आधार पर, जो कि NTA पब्लिश बाई NTA के द्वारा जो लिस्ट पब्लिश होता है वो लिस्ट की आधार पर आप लोगों का आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप लोगों का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू की मार्क्स के ऊपर बेसिस करके, आपका इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पहले तो JEE मेंस की रैंक के आधार पर आप लोगों को मार्क्स के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सिलेक्शन हो जाएंगे। एज लिमिट, आपका जो एज लिमिट होगा दोस्तों जनरल यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, आपका जन्म 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, 2 जुलाई 2005 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद में नहीं होना चाहिए। अगर आप दोस्तों SC ST OBC PWD फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हो तो आप लोगों को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। जॉब कैटेगरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, डिफेंस जॉब जानते हैं, नेवी का जॉब। जॉब लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर कंट्री, कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल ही दिया, एक बार मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा आपका जो JEE मेंस सीरियल लिस्ट के हिसाब से, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू होगा September 2024 ऑनवर्ड, इस साल के September 2024 को होने वाला है। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 6 जुलाई यानी आज से स्टार्ट होने वाला है, अप्लाई का लास्ट डेट 20 जुलाई 2024। दोस्तों ऑफिशियल साइट www.joinindiannavy.gov.in। दोस्तों आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं आप लोगों को। यह है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं एक ही पेज का नोटिफिकेशन है, इसलिए जूम करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अब शुरुआत में देख सकते हैं वैकेंसी जिसमें महिला के लिए 5 पोस्ट रिजर्व है। ये देखिए डेट ऑफ ओपनिंग 6 जुलाई से ओपनिंग होगा, लास्ट डेट 20 जुलाई, ठीक है, देख सकते हैं अभी ऐसे। देखिए ब्रांच क्या क्या होगा, ब्रांच एफिलेटेड एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेनिंग इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल विल बी अंडरटेक एट NIA। अभी ऐसे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताया वही कंडीशन है, जो यहाँ पर ये डिटेल्स ही मैंने वहाँ पर आप लोगों को दिखाया, सभी डिटेल्स पूरा आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोगों को जो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा वो किस प्रकार से, ऐसे एक दो पॉइंट में आप लोगों को बोल देता हूँ।
आप लोगों को देखिए सितंबर 2024 को इंटरव्यू होने वाला। देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ए कॉलम की लास्ट लाइन में देख सकते हैं सितंबर 2024 को, जो मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ। आप लोगों को जब सिलेक्शन में बुलाया जाएगा वो कैसे बुलाया जाएगा, आप लोगों को ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। फिजिकली कोई कॉपी आपके पास नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन का फर्स्ट लाइन देख सकते हैं, ये देखिए एसएमएस और ईमेल के थ्रू आप लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो आपको ट्रेन का किराया मिलेगा। कैसा किराया मिलेगा, देखिए एफ सेक्शन में देखिए, एफ ऑप्शन में एसी थ्री टायर रेल फेयर, फेयर मतलब किराया, रेल फेयर इज एडमिसेबल फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, ये आपको दिया जाएगा थ्री टायर रेल फेयर, ठीक है। एसी थ्री टायर अब समझ गए होंगे, अगर इससे आएंगे एसी थ्री टायर का किराया आप लोगों को मिलेगा। अगर आपको किराया चाहिए होगा तो आप लोगों को किया लाना होगा, पर्टिकुलर जो लाना होगा आपके साथ। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक, आपका बैंक का जो पासबुक है उसका फोटोकॉपी लेना है, फर्स्ट पेज का जहाँ पर आपका बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह नाम वगैरह सब कुछ होता है वो पेज। लीव फॉर द नेम, जहाँ पर नेम होगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डिटेल्स पूरा मेंशन किया होगा, ये आपको लेके आना पड़ेगा ताकि आपको वो जो ट्रेन का किराया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल एसएसबी प्रोसीड्यूर इंडियन नेवी का जो वेबसाइट है या सब आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर करोगे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। ट्रेनिंग होगा आपका 4 साल का, ये देखिए ट्रेनिंग, ये देखिए 8 नंबर पॉइंट में ट्रेनिंग होगा दोस्तों 4 साल का। देखिए 4 ईयर बीटेक कोर्स होगा इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये स्ट्रीम पर ही आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सबमिशन कर दिया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है दोस्तों, आप लोग जाइए, लिंक ओपन करने से आपको ये नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करने से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का पेज भी मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ, हो सके तो सब्सक्राइब करके मेहनत का फल दे दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।